हेलो दोस्तों, भोजपुरी राज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार खबरें लाते हैं। हेलो दोस्तों, भोजपुरी राज में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं वक्त बदलते देर नहीं लगती। जी हाँ दोस्तों, भोजपुरी के सुपरस्टार एक्टर खेसारी लाल यादव जी के साथ ऐसा ही हुआ। जी हाँ दोस्तों, उनकी एक ब्लॉकबस्टर मूवी मेहंदी लगा के रखना पार्ट 2 में उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, उन्हें रिप्लेस किया है चिंटू पांडे ने। जी दोस्तों, चिंटू पांडे अब मेहंदी लगा के रखना पार्ट 2 में लीड रोल करेंगे। दोस्तों, इतना ही नहीं, इसमें हीरोइन को भी रिप्लेस कर दिया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, पहले पार्ट में काजल लागवानी जी इसमें लीड रोल में थी। अब दूसरे पार्ट में उनसे ही उनके नाम के साथ मिलता जुलता नाम ही काजल शर्मा इसको भोजपुरी डेब्यू दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, काजल लागवानी को पहला भोजपुरी डेब्यू चिंटू पांडे जी ने ही दिया था। मगर दोस्तों, बीते कुछ समय में काजल लागवानी खेसारी लाल यादव जी के साथ कुछ ज़्यादा ही नज़दीकियाँ डाली। इसे देखते हुए बदले के तौर पर देखा जा रहा है कि चिंटू पांडे ने इस मूवी के लिए उनसे नाम से मिलता जुलता नाम ही भोजपुरी में लॉन्च किया, जिसका नाम है काजल शर्मा। दोस्तों, आपको बता दें, खेसारी लाल यादव और चिंटू पांडे जी में काफ़ी बदले के तौर पर इसे देखा जा रहा है। दोस्तों, आपको बता दें, चिंटू पांडे और खेसारी लाल यादव जी के बीच अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। मगर इस दोस्तों, अभी तो उन्होंने उनके इस मूवी में उन्हें रिप्लेस कर दिया है, जो उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। दोस्तों, ऐसे ही ताज़ा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।